अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के पेपर के हवाले से कौन कौन से शॉर्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। लेट अस डिस्कस नाउ। आप देखिए, टोटल आपको 27 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपने 18 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और इसी वजह से आपका टोटल जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो 36 मार्क्स का होगा, क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। अब वन बाय वन हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हर चैप्टर में किस तरीके से आने वाला है पेपर आपका, ठीक है, और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर वन, इसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने अब इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, डेटा, व्हाट इज डेटा या डिफाइंड डेटा, इन्फॉर्मेशन, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफाइन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेस, ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, उसकी डायग्राम पूछी जा सकती है, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है सारे स्टेप्स को, डाटा गैदरिंग टेक्निक्स कौन कौन सी यूज हो रही हैं, मेंटेनेंस फेज के लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, व्हाई सिस्टम टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टेस्टिंग फेज के अंदर से ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, इन दोनों टेस्टिंग में फर्क क्या होता है, ठीक है, बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज क्या है जिनमें बिट आ जाती है, बाइट, वर्ड, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, और बिट, बाइट और वर्ड की कन्वर्जन आपको मैंने सिखाई है वो भी पूछी जा सकती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाई यूजर ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ट्रेनिंग फेज के अंदर या मेंटेनेंस के अंदर आप जाके देखेंगे कि ट्रेनिंग फेज जो ट्रेनिंग का सारा मरहला होता है हम ये क्यों करते हैं, यूजर की ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं उनको नए भी सिस्टम को यूज करने से पहले, फिर व्हाई लॉजिकल डिजाइन, ठीक है, एंड हाउ इट इज फॉर्म, देन यूज ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल विलेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये वाले जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से इनडेप्थ प्रिपेयर करेंगे, तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर 1 में से आने वाले हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ये आप इजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की डेफिनेशन, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कोई से 2, ठीक है, बेनिफिट्स बताने होंगे आपको, ठीक है, पर्पस ऑफ मैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का पर्पस क्या होता है, ठीक है, कुछ चीजें हमारी लॉन्ग में भी कवर हो गई हुई हैं, जिस तरह हमने लैन, वैन और मैन का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो प्रिपेयर किया है, तो उसमें मोस्ट जो एस्पेक्ट्स हैं मैन, लैन, वैन के हवाले से वो हमारे कवर हो गए हैं, उनमें डिफरेंसेस कवर हो गए हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने इधर मेंशन कर दी है, बाकी लॉन्ग तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं ये वाला, ठीक है, लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ लैन, ठीक है, ये इसको भी हमने लॉन्ग के हवाले से करना है या इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो ये सवाल एक ही है, ठीक है, 2 तरीके से पूछा जा सकता है। विच ट्रांसमिशन मीडिया इज यूज्ड इन लैन, ठीक है, इसमें गाइडेड, अनगाइडेड, उनकी टाइप्स, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी हम लॉन्ग प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसमें से शॉर्ट कोई भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तो वो इसी में से है, तो इस तरीके से कोई भी शॉर्ट इसमें से पूछा जा सकता है। फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को डिफाइन करने का पूछा जा सकता है, टर्मिनल क्या होता है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज FTP ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब को डिफाइन करने के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस को आपने बेटे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और डाउनलोडिंग और अपलोडिंग इनकी डेफिनेशंस को, ये कौन से प्रोसेसेस हैं, क्यों यूज होते हैं, तो ये आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है। यहां तक हो गया आपका कवर चैप्टर नंबर 2 और उसके सारे एस्पेक्ट्स, हमने लॉन्ग भी देख लिए, हमने शॉर्ट्स भी देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर लॉन्ग हम देख चुके हैं कि कौन कौन से करने हैं इसमें से, अब हम इनकी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखते हैं इंपॉर्टेंस को। सिग्नल, व्हाट इज द सिग्नल, उसमें डिजिटल और एनालॉग सिग्नल, उनका डिफरेंस, उनकी डायग्राम, ये पूछी जा सकती है। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा कितनी तरह का होता है, ठीक है। फिर डिफाइन
डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर आपको आनी चाहिए। पैरेलल वर्सेस सीरियल ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इनकी डिफरेंसेस, इनकी डेफिनेशंस ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बैंडविड्थ को डिफाइन करना आना चाहिए, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड क्या होता है इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस आपको बेटे आनी चाहिए, ठीक है। मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम के अंदर अगर हम बात करें तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बात आ जाती है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। इसमें यूजेस ऑफ द कंप्यूटर हैं, वो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखेंगे कि किन किन फील्ड में आपका जो कंप्यूटर है वो यूज हो रहा है। पहला जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि बिजनेस में कहां कहां कैसे कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल है, मार्केटिंग पर्पजेज के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे यूज हो रहा है, बैंक्स में कैसे यूज हो रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कैसे यूज हो रहा है, ऑफिस ऑटोमेशन में कैसे यूज हो रहा है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आपने देखना है यूज ऑफ द कंप्यूटर के हिसाब से। फिर ई कॉमर्स रोल इन आवर डेली लाइफ, व्हाट इज ईमेल, व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट इज ई शॉपिंग, what is electronic banking, what is computer aided design, computer aided manufacturing, what is robot and why they are used, in which environment they are used, and what is simulations। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये चैप्टर 4 के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर करना है। आगे बात आ जाती है बेटे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में आपके दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से 4 आने वाले हैं। आपको सीपीयू और उनके सारे पार्ट्स का पता होना चाहिए, जो हमने लॉन्ग के हवाले से भी देखा है, ठीक है। रोम और उसकी टाइप्स हमने की हैं, लेकिन पी रोम और एप रोम इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है। एड्रेस बस और कंट्रोल बस में क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है। सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लिंकर और लोडर में क्या डिफरेंस है, कंट्रोल यूनिट में और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या डिफरेंस है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, जनरल पर्पस रजिस्टर, इसके अंदर जितने भी रजिस्टर्स हैं, जिस तरह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, उनकी डेफिनेशंस अलग से पूछी जा सकती हैं। तो ये 5 रजिस्टर जो इसकी टाइप्स में आते हैं आपने करने हैं, ठीक है। रोम वर्सेज रैम, इनके डिफरेंसेस का भी आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग में ये चीजें कवर हो रही हैं, लेकिन आपने फिर भी इनको डिफरेंसेस के हवाले से बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे आ जाती है बात चैप्टर नंबर 6 की। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग में पहले बता चुकी हूं कि वायरसेस और एंटीवायरसेस के कॉजेज और साथ में वायरसेस की टाइप्स, ये सारी चीजें कवर करने के बाद जो चीजें बचती हैं वो ये हैं, डिफाइन सिक्योरिटी, डिफाइन डेटा सिक्योरिटी, एंटीवायरस की डेफिनेशन और डिफरेंट एंटीवायरसेस के नेम्स आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट यूज हो रहे हैं डेली लाइफ में, डिफाइन पासवर्ड एंड हाउ वायरस डैमेजेस कंप्यूटर। तो ये सारी चीजें कवर कर लेने के बाद और वो जो लॉन्ग बताए गए हैं दूसरी वीडियो में वो कवर कर लेने के बाद आप बहुत अच्छे से चैप्टर 6 से रिलेटेड सारा जो पार्ट है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बात आ जाती है बेटे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये विंडोज वाला चैप्टर है आपका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। इसमें से पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, जीयूआई क्या है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, ठीक है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इन दोनों तरह की जो टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की उनमें क्या डिफरेंस है, प्लग एंड प्ले क्या होता है, ये भी एक फीचर है आपको पता है विंडोज 2000 से ऑनवर्ड्स आ रहा है, ठीक है, प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है, पार्टीशन की इटसेल्फ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या फर्क होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फर्क होता है। तो ये सारी चीजें जो है चैप्टर नंबर 7 के हिसाब से आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि चैप्टर 7 में आपने बेटे कवर करनी है। व्हाट इज डेस्कटॉप, ठीक है, ये आपके फीचर्स हैं आपकी विंडोज के, ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, तो ये आपने बड़े अच्छे से कवर करने हैं। माय डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, उसमें क्या होता है, वो क्यों यूज किया जाता है, माय कंप्यूटर में क्या होता है, विंडो एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में फर्क, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है, ठीक है, रिसाइकल बिन क्या होती है, एंड डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या होती है। तो ये सारी यूटिलिटीज जो आपका जो विंडोज है आपको देती है, तो ये किस मकसद के लिए यूज होती है, ये आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। ये शॉर्ट के लिहाज से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
देन बात आ जाती है चैप्टर नंबर 8 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादातर तो हमने इसको कवर किया है, जो कि सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं 2-3 चीजों में ही कवर हो जाने हैं। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, इसके बेनिफिट्स भी कर लीजिएगा साथ में। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर और उसके फीचर्स फुल। फुल का मतलब यह है कि आपने इसके सारे फीचर्स को एक दफा देख लेना है। कोई भी फीचर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जिस तरह वर्ड रैप है एंड सो ऑन है। इसी तरह फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स आ जाते हैं। फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स में क्या है कि उसमें डिफरेंट जो आगे फर्दर ऑप्शंस आई थी, वर्ड आर्ट की आई थी, ठीक है, मेल मर्ज एंड सो ऑन, जितनी भी नंबर ऑफ ऑप्शंस हमें इन्होंने दी हैं और इनका टेक्स्ट एडिटर का डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से हमें फैसिलिटेट करती है, ये सारी चीजें जो है आपको कम्प्लीटली इनका पता होना चाहिए। इसीलिए इसके आगे भी फुल लिखा गया है कि इसको हर एस्पेक्ट से बेटे आपने तैयार करना है। आगे बात आ जाती है चैप्टर नंबर 9 की, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। आगे बात आ जाती है लिस्ट फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है, इसके डिफरेंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि हमें ये कौन कौन सी फैसिलिटीज देता है, हम डाटा के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे कुछ डेफिनेशंस हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सेल, यू बेटर नो दैट इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, तो ये आपको प्रॉपरली डिफाइन करना आना चाहिए। वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, उनका आपस में डिफरेंस, फिर लेबल और वैल्यूज क्या होती हैं, इनका भी आपस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फार्मूला और फंक्शन क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी एक एक एग्जाम्पल भी आपको पता होनी चाहिए। सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल देने की, किस तरीके से हम कॉलम का जो नाम है और रो का जो नंबर है वो देते हुए हम सेल को रेफरेंस करते हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। आगे फर्दर आ जाती है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, वो इसी की टाइप्स के अंडर आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अलग अलग भी ये पूछी जा सकती है। आगे बात आ जाती है सेल रेंजेस की या नेम्ड रेंजेस की, तो आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से करना है। चार्ट्स, ठीक है, चार्ट क्यों बनाए जाते हैं और किस लिए यूज होते हैं, डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी जो बात है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे